हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का एक और मेरी न्यू वीडियो में। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे की कल तक जो मैंने आपको अपडेट दिखाई थी पावी तक, आज मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों मंडोला विहार तक के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग का एरिया है पावी का, और यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है फिर से पिलर के ऊपर जाने वाले इस एक्सप्रेस वे की। तो एलिवेटेड पार्ट ये रहने वाला है और इसमें काफ़ी सारा काम हो चुका है जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे दोस्तों, सर्विस रोड के साथ साथ यहाँ पर डिवाइडर बना दिए गए हैं। ऊपर दोस्तों फ्लोरिंग का काम हो चुका है, कल मैंने आपको यहाँ पर जूम करके दिखाया था। अब यहाँ से आगे की तरफ दोस्तों मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हो जाएगा पावी का चौक, और यहाँ पर भी ऊपर फ्लोरिंग का काम हो चुका है, और यहाँ से लेफ्ट साइड की तरफ ये मूव करेगा एक्सप्रेस वे। तो अब ईस्टर्न फेरी फेरल तक एक्सप्रेस वे पिलर के ऊपर रहने वाला है। बीच में दोस्तों एक इंटरचेंज मिलेगा आपको मंडोला विहार के पास, तो वो भी दिखाने वाला हूँ मैं आपको। वहाँ पर भी काफ़ी सारा काम हो चुका है। ये देखिए, राइट साइड में यहाँ पर डिवाइडर बनाया जा रहा है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर डबल ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं, तो वो भी यहाँ पर बन चुका है। अभी यहाँ पर सर्विस रोड के ऊपर काफ़ी सारा काम हो चुका है ब्लैक टॉप का। स्टार्टिंग में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, बीच में थोड़ा सा पार्ट अभी बचा हुआ है, वहाँ पर अभी काम किया जाना है। उसके बाद दोस्तों काफ़ी अच्छा रोड यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है। तो जैसे ही दोस्तों एक्सप्रेस वे यानी कि 100 की स्पीड आपको मिलती है दिल्ली से देहरादून जाने के लिए, वैसे ही दोस्तों आपको इस वाले सर्विस रोड के ऊपर भी अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी, बिकॉज काफ़ी अच्छा रोड यहाँ से ये बना दिया गया है। 60 से 70 की स्पीड आपको मिल जाएगी, तो लोकल ट्रैफिक वालों को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऊपर हो गया है फ्लोरिंग का काम कंप्लीट, और राइट साइड में आप देख रहे हैं डिवाइडर बना दिए गए हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर मिट्टी फिलिंग का काम भी हो चुका है, यहाँ से कुछ पार्ट में ब्लैक टॉप का काम हो चुका है। और है दोस्तों यहाँ पर बनाया जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम, अभी देखिए ये वाला पार्ट अभी बचा हुआ है ड्रेनेज सिस्टम का, और यहाँ पर अभी इस वाले रोड के ऊपर ब्लैकटॉप का काम भी नहीं हुआ है। तो जब दोस्तों यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो अब यहाँ पर इस वाली सर्विस रोड का काम किया जाएगा। तो राइट साइड में यहाँ पर अभी डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। सो ऊपर एक्सप्रेस वे की फ्लोरिंग का काफ़ी सारा काम यहाँ पर डन हो चुका है। बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर इस एक्सप्रेस वे के ऊपर ट्रायल शुरू हो जाएगा, जैसे ये रोड का काम कम्प्लीट हो जाता है। सो यहाँ तक दोस्तों अभी फ्लोरिंग का काम बचा हुआ है इस सर्विस रोड की, और इसके आगे आपको दिखाता हूँ मैं, कंप्लीट काम हो चुका है सर्विस रोड की फ्लोरिंग का। तो यहाँ से आपको नज़र आएगा आगे तक ब्लैक टॉप का काम हो चुका है, अभी यहाँ पर डिवाइडर बनाने बाकी हैं, वो भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो आप अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक्सप्रेस वे की फ्लोरिंग का काम हो चुका है, और नीचे यहाँ पर डिवाइडर और ड्रेनेज सिस्टम का काम भी कंप्लीट नज़र आएगा। सो ये एरिया है दोस्तों ट्रॉनिका सिटी का, और यहाँ पर भी आप देखेंगे आपको काफ़ी सारा काम हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों डिवाइडर बनके तैयार हो चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर बनके तैयार हो चुके हैं,
डिवाइडर के अंदर अभी यहाँ पर मिट्टी फिलिंग होगी और उसके अंदर यहाँ पर प्लांटेशन का काम बाकी है। अदरवाइज ये वाली रोड काफ़ी लंबे स्ट्रेच में बन के तैयार हो चुकी है। ऊपर एक्सप्रेस वे की फ्लोरिंग का काम हो चुका है। तो आगे आकर दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा पैच बचा हुआ है जहाँ पर कुछ काम किया जा रहा है अभी। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर अंडर इस रोड के नीचे से पाइपलाइन डाली जा रही है तो यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला जो रोड है वो भी टूटा पड़ा है और इस जगह राइट साइड में यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी पाइपलाइन यहाँ पर डाली जा रही है और इससे पहले आपने देखा ब्लैक टॉप का अच्छा खासा काम यहाँ पर हो चुका है और यहाँ से आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पर भी काफ़ी सारा काम कम्प्लीट हो चुका है। तो ये देखिए बीच में आपको डिवाइडर नज़र आ रहा है, इसके अंदर मिट्टी की फिलिंग का काम भी हो चुका है। यहाँ पर प्लांटेशन का काम भी अब किया जाएगा बहुत ही जल्द। तो जैसे जैसे दोस्तों डेडलाइन पास आती जा रही है इस एक्सप्रेस वे की कंप्लीट होने की, वैसे ही काफ़ी अच्छी स्पीड में यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो पावी से लेके अगर बात करें ईस्टर्न फेरी फेरल तक की तो बहुत ही अच्छा काम, यानी कि 90% से ज़्यादा कम्प्लीट काम यहाँ पर अब हो चुका है। तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। तो दोस्तों अभी हम बढ़ रहे हैं मंडोला विहार की तरफ और यहाँ से आपको प्लर की हाइट थोड़ी ऊपर की तरफ नज़र आएगी। सो आगे एक इंटरचेंज मिल जाएगा मंडोला विहार गांव के पास। तो अगर आप पावी की साइड से आते हैं थोड़ा आगे आपको यहाँ पर आके इंटरचेंज मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आप इस जगह से आप एग्ज़िट ले सकेंगे अगर आप अक्षरधाम की तरफ से आते हैं और यहाँ पर आपको एंट्री भी मिल जाएगी इस एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए अगर आप देहरादून की तरफ जाना चाहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक रैंप आपको मिल जाएगा जो आपको नज़र आएगा कि नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से आप एग्जिट ले सकेंगे। इस रैंप के ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी हो चुका है और यहाँ से ये वाली सर्विस रोड भी काफ़ी पहले बन के तैयार हो चुकी थी। तो ये एरिया है मंडोला विहार गांव का और यहाँ पर ही बनाई गई है ये एग्ज़िट। तो ये है एक इंटरचेंज, आप यहाँ से एग्ज़िट ले सकते हैं और एंट्री भी इस एक्सप्रेस वे पर चढ़ने के लिए। तो बेशक दोस्तों आप देहरादून की साइड जाना चाहते हैं या फिर अक्षरधाम की साइड जाना चाहते हैं, दोनों ही साइड के लिए आपको एंट्री एग्ज़िट मिल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से ये पूरा रैम्प का काम कम्प्लीट हो चुका है, बीच वाला पार्ट यहाँ पर आपको नज़र आएगा एक्सप्रेस वे का। सो यहाँ से मिलेगी आपको एंट्री राइट साइड में, आप ये देख रहे हैं इस जगह से आप इस एक्सप्रेस वे के ऊपर चढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर भी एक रैंप बना दिया गया है, इसका कंप्लीट काम हो चुका है। यहाँ पर बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइडर भी बना दिया गया है। इसके राइट साइड में है दोस्तों एग्ज़िट, अगर आप देहरादून की साइड से आते हैं तो आप यहाँ से एग्ज़िट भी ले सकेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला रैंप है जो बन चुका है और उसके बाद दोस्तों यहाँ से फिर से प्लर के ऊपर जाएगा ये एक्सप्रेस वे जो ईस्टर्न फेरी फेरल तक रहने वाला है। तो यहाँ पर इसकी फ्लोरिंग का कंप्लीट काम हो चुका है।
सो यहाँ से आगे की अपडेट दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना दोस्तों मेरी वीडियो को। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।